Good morning. Today I am going to discuss one of the topic, and my topic is why were we falling. Actually, the title of this topic is itself a question: why were we falling? हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमार पड़ने का कौन-कौन से कारण हैं? What are the reason? तो हम लोग ऐसे तो जानते हैं बहुत से कारण हैं बीमार पड़ने का. लेकिन इसके पहले हम डिस्कस कर लेना चाहते हैं कि व्हाट इज हेल्थ. हेल्थ क्या है? हु इज हेल्दी? तो हेल्थ क्या है? हेल्दी कौन? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीजेस दे आर कॉल्ड हेल्दी पर्सन. और वैसे व्यक्ति को हेल्दी व्यक्ति का. तो हेल्थ का डिफिनीशन सिर्फ यही नहीं है कि अ पर्सन इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीजेस. हेल्थ के जो डिफिनीशन है वो उसको काफ़ी अच्छे से WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिफाइन किया है 1948. अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन. दिस इज डिफिनेशन गिवन बाय द WHO. इट इज नॉट मेरली फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीजेस, बट इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी विच इंक्लूड्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. यानी पर्सन जो है पूरी तरह से फिजिकल, मेंटली और सोशली वेल बीइंग है. तो देर आर थ्री डायमेंशंस इन दिस डिफिनीशन. वन इज फिजिकल कंडीशन, सेकंड इज मेंटल कंडीशन एंड थर्ड वन इज सोशल कंडीशन. देर आर थ्री डायमेंशन. फिजिकल कंडीशंस इट इंक्लूड्स प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन, प्रॉपर शेप ऑफ द ऑर्गेन बॉडी पार्ट्स, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम. शरीर के सभी अंगों का संपूर्ण विकास एवं पूरी अच्छी तरह से उसका कार्य करना ही फिजिकल कंडीशन में आता है. सपोज अगर कोई व्यक्ति किसी अंग से वंचित है तो वो हेल्दी कंडीशन में नहीं है. तो फिजिकल कंडीशन नॉट मेंटल. मेंटल कंडीशन में उसका दिमाग और उसकी सराउंडिंग दोनों एक साथ बैलेंस वे में काम करता है. यानी बैलेंस बिटवीन देयर मेंटल एबिलिटी एंड देयर सराउंडिंग्स दोनों के लिए. यानी कि दिमाग से पूरी तरह से वो बैलेंस है. नेक्स्ट सोशल. सोशल वेलबींग इज देयर बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी. पर्सन हुज बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी. दे हैव अ गुड रिलेशन विद देयर फैमिली, दे हैव गुड रिलेशन विद देयर नेबर, दे हैव अ गुड रिलेशन विद देयर फ्रेंड्स. तो उसका यानी इन हम कह सकते हैं कि उसका पूरी तरह से कंडीशन जो समाज के साथ उसका जो संबंध है वो सही होना चाहिए. इट मीन्स देयर बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी. तो ये था WHO के डिफिनेशन के आधार पर हेल्थ का कंडीशन. अब आ जाइए फैक्टर्स अफेक्टिंग द हेल्थ. व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द जनरल हेल्थ ऑफ अ पर्सन. द फर्स्ट इज बैलेंस डाइट. एज वी नो दैट बैलेंस डाइट is a very important part of our life. It maintains the requirements of our body. ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है. It maintains the requirements of our body. It keeps us healthy. It provides us all kinds of nutrients. So balanced diet बहुत जरूरी है. अगर किसी व्यक्ति को balanced diet नहीं मिलता है तो आगे चलकर कई तरह के रोग, डिफिशियंसी डिजीज हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर होकर और कोई बीमारी हो सकती है. तो बैलेंस डाइट की जरूरत होती है. नेक्स्ट क्लीननेस.
पर्सनल एंड पब्लिक और कम्युनिटी हाइजीन दोनों इसमें चाहिए, साफ सफाई। अगर किसी व्यक्ति का आस पड़ोस गंदा है, सराउंडिंग गंदा है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है। गार्बेज का एक्युमुलेशन हो रहा है, वाटर लॉगिंग है, तो इसका इफेक्ट उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो पूरी तरह से साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन भी और कम्युनिटी हाइजीन, दोनों हाइजीन को इसको मेंटेन करना है किसी भी व्यक्ति को। आप शरीर आपका गंदा रहेगा तो कई तरह की बीमारी हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकता है, और भी कई तरह का बीमारी हो सकती है। तो पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी क्लीननेस दोनों जरूरी है। पड़ोस भी अगर आपका गंदा है तो उससे भी बीमारियां हो सकती है। नेक्स्ट, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। अनदर इज फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड्स सनलाइट, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सारे चीजें इस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जैसे फ्लड, साइक्लोन, स्टॉर्म, इसका भी इफेक्ट हमारे हेल्थ पर पड़ता है। तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। नाउ द सोशल इन्वॉल्वमेंट। सोशल इन्वॉल्वमेंट इट मीन्स इसमें आ जाता है आसपास का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट, ये सारे चीज आ जाते हैं सोशल में। यानी आप जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, अगर उन लोगों के बीच मधुर संबंध है तो इसका प्रभाव आपके हेल्थ पर पड़ेगा। अगर उनमें हेल्थ मधुर संबंध नहीं है तो इसका बैड इफेक्ट आपके हेल्थ पर पड़ेगा। सिमिलरली इफ योर नेबर्स आर गुड, योर हेल्थ इज ऑल्सो गुड, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ। तो इस तरह से सोशल इन्वॉल्वमेंट हमारे हेल्थ को डिपेंड करता है। सोशल इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो अफेक्ट द फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट अफेक्ट द सोशल इन्वॉल्वमेंट, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करता है। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट अफेक्ट द सोशल इन्वॉल्वमेंट, एंड सोशल इन्वॉल्वमेंट अफेक्ट द फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। नाउ अनदर इज गुड इकोनॉमिक कंडीशन। इट मीन्स आपके पॉकेट में, वॉलेट में मनी कितना, यानी कि आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, जॉब अच्छा है, इनकम अच्छी है, तो इससे व्यक्ति टेंशन फ्री होता है, एनर्जेटिक फ्री होता है, इस तरह का टेंशन नहीं होता है, वो अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल कर सकता है, दे कैन फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, सो दैट दे हैव नो एनी काइंड ऑफ एनर्जेटिक टेंशन, एंड इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। सो दीज आर द factors which affect our health. Now, another subtopic is characteristics of good health. Characteristics of good health. एक अच्छे health की characteristics क्या? What are the characteristics of good health? The first characteristics of good health, a person is free from diseases. Free from diseases and sickness. पूरी तरह का, यानी कि रोग, किसी तरह का रोग नहीं, तो एक हेल्थ का कंडीशन है। सेकेंड इज द फ्री फ्रॉम अननेसेसरी एनर्जी एंड टेंशन। हेल्दी पर्सन का जो है वो किसी भी तरह का अननेसेसरी टेंशन और चिंता उसे नहीं रहता। दे आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी टेंशन एंड एनर्जी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एबल टू डू वर्क परफेक्टली। अगर हेल्दी पर्सन है तो वो अपना काम सही ढंग से करे। दे आर एबल टू डू देयर वर्क परफेक्टली एंड इफिशियंटली। अपना काम में मन लगाएगा, काम में जॉब में उसे खुशी मिलेगी और वो सही ढंग से वो काम करेगा। थर्ड, फोर्थ है जॉयफुल लाइफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। हेल्दी पर्सन का लाइफ जो है वो जॉयफुल होता है, इंजॉय करता है अपने लाइफ को, और उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, यानी जीने की चाह उसमें बढ़ती है। अगर देखते होंगे कि एक जब व्यक्ति बीमार होता है तो जीने की चाह उसकी कम जाती है। एक वेल नोन प्रोवर्ब है जैसे हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य पूरी तरह से हमारे लिए पूंजी है। अगर हम स्वस्थ हैं
तो सब कुछ अच्छा है, अगर स्वस्थ नहीं है तो वो हमारा जीवन बेकार होता है। तो अब हम लोग बात करें कि सबसे और यहाँ पर हम लोग तीन डायमेंशन की बात की, सोशल, फिजिकल और मेंटल कंडीशंस की। अब तो हम लोग बात करेंगे डिजीज, जो बीमार पड़ते हैं तो कोई ना कोई रोग होता है। तो ये डिजीज क्या है, व्हाट इज डिजीज? तो डिजीज इज अ कंडीशन, डिजीज इज अ कंडीशन ऑफ आवर बॉडी और इट इज अ कंडीशन ऑफ आवर ऑफ अ इंडिविजुअल इन विच नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड हेल्थ इज अफेक्टेड। इन डिजीज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी एंड हेल्थ इज नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड, देयर हेल्थ इज अफेक्टेड। तो ये डिजीज है एनी कंडीशन विच अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड हेल्थ। ये हमारे नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट करता है, चाहे वो किसी भी कारण से। तो अब कारण क्या है जिसके आधार पर, कारण के आधार पर डिजीज को हम लोग कई तरह के ग्रुप में बांटते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ डिजीज, नॉट इज कंट्रोल द टाइप ऑफ डिजीज, टाइप क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लासिफाई द डिजीज इनटू टू हेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। एक्चुअली फर्स्ट वन इज कंजेनाइटल डिजीज एंड द सेकंड इज एक्वायर्ड डिजीज। कंजेनाइटल डिजीज दिस इज इनबॉर्न डिजीज, व्यक्ति जन्म के साथ इस रोग को लेकर पैदा होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटरी डिजीज, दिस इज कॉल्ड इनबॉर्न डिजीज, इनबॉर्न डिजीज यानी जन्म के साथ एक रोग लेकर पैदा, हेरिडिटरी डिजीज बीज को कहते हैं, एक पैदा होता है तो इसको कंजेनाइटल डिजीज होता है। कंजेनाइटल डिजीज जनरली इसको हम लोग क्योर नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस एक कंजेनाइटल डिजीज है। हीमोफीलिया इट इज ऑल्सो कंजेनाइटल डिजीज। तो इस तरह से ये बीमारी है। अब आइए दूसरा एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज अ पर्सन कैन एक्वायर द डिजीज ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन, कभी भी ये एक्वायर कर सकता है, वो अपने जीवन में उसको रोग लग सकता है। तो एक्वायर्ड डिजीज कभी भी ले सकता है। अब एक्वायर्ड डिजीज को फर्दर दी एक्वायर्ड डिजीज इज क्लासिफाइड टू टू हेडिंग, वन इज नॉन कम्युनिकेबल, अदर इज कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नेवर ट्रांसमिट फ्रॉम अनहेल्दी हेल्दी पर्सन टू never transmit from unhealthy person to healthy person. Non-communicable disease never transmit from unhealthy person to healthy person. And communicable disease, it can transmit from unhealthy person to healthy person. It transmit नहीं होता है, transmit होता है। तो इसके आधार पर इसको divide किया गया, non-communicable and further, non-communicable disease is classified under four heading. It's classified under four heading. The first is deficiency disease. Deficiency disease. It means this type of disease is caused by deficiency of nutrient, deficiency of mineral, deficiency of vitamins. किसी से किसी चीज के deficiency से, deficiency के कारण होता है। तो ये बीमारी जब हमको डिफिशियंसी कारण होता है तो डिफिशियंसी डिजीज का, जैसे प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्वाशियोर कर प्रोटीन तथा से विटामिन ए की डिफिशियंसी से भी बीमारी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी, विटामिन बी की कमी से, वेरी वेरी सी के स्तर भी इस तरह से कमी से बीमारी होती है, इसको डिफिशियंसी का। डिजनरेटिव हमारे ऑर्गेन से टिश्यू डिजनरेट कर जाता है, इसको कॉल्ड
ढंग से काम नहीं करता है। तो एक डिजनरेटिव डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल कार्डियो वास्कुलर डिजीज, आर्थराइटिस, ये सभी जो है इसका एक एग्जाम्पल है, आर्थराइटिस एक एग्जाम्पल है। नाउ कैंसरस डिजीज, कैंसरस डिजीज ये जो है सेल के एबनॉर्मल बिहेवियर के वजह से कैंसर डिजीज होता है। तो इसमें कैंसर जैसे टिश्यू का ब्लड कैंसर, बोन कैंसर कोई भी आ सकता है। एलर्जी डिजीज ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस, दिस टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एलर्जी डिजीज। हमारा बॉडी जो है किसी न किसी चीज से, किसी न किसी सब्सटेंस का के कारण हाइपर सेंसिटिव होता है, और हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से एक डिजीज कॉज होता है। दिस टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एलर्जी डिजीज, लाइक अस्थमा, हे फीवर, ये हो गया नॉन कम्युनिकेबल। नाउ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फाइव सब ग्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। The first bacteria, this type of disease is called by the bacterium. Bacteria का किसी भी तरीके से bacteria का हमारे शरीर के अंदर इंटरेस्ट कर जाता है तो ये disease होता है, जैसे पानी के द्वारा और खाने के द्वारा किसी भी तरीके से इंटरेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल टिटनस, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, इस तरह की कई भी बीमारी हैं जो कि बैक्टीरिया डिजीज है। नाउ वायरल डिजीज, इट इज कॉल्ड बाय द वायरस, वायरस के कारण बीमारी होती है। यहाँ एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन बॉक्स, अभी आपने पोलियो आपने अभी देखा है, जैसे कोविड-19 एक तरह का वायरस से फैलने वाला बीमारी है, तो ये वायरल डिजीज के श्रेणी में आता है। नाउ प्रोटोजोअन डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज यानी दिस टाइप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ अगर हमारे शरीर में इंटर करता है तो इसकी वजह से ये बीमारी होती है। एग्जाम्पल मलेरिया, कालाजार, ये सब जो है एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ के कारण। स्लीपी स्लीपनेस ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। फंगल डिजीज कॉज्ड बाय द फंजाई, क्वालिटी डाइजेस्टिव फंजाई, ये फंजाई के कारण हमारे शरीर में बीमारी, जैसे रिंग वॉल, एथलीट फूट, ये हो गया फंगल डिजीज। एंड लास्ट वन इज हेलमिंथल डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय वॉर, वॉर के कारण होता है, जैसे एलिफेंट, एलिफेंटाइसिस, एस्कियासिस, ये वॉर के कारण होता है। एलिफेंटाइसिस हाँ, जिसको फाइलेरिया, ये सब जो है वॉर के कारण होता है। तो किसी भी तरीके से अगर हमारे शरीर में पॉजिटिव एजेंट्स, यहाँ पर सारी चीज़ों को हम जर्म्स कह सकते हैं या बहुत पैथोजेंस कह सकते हैं, ये हमारे शरीर में इंटर होता है, तो इससे कम्युनिकेबल डिजीज पैदा होता है। ये था क्लासिफिकेशन। नाउ अब यहाँ पर बात आती है दो डिजीज को इफेक्ट के आधार पर, ड्यूरेशन के आधार पर डिवाइड करते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक, दो स्टेज में डिवाइड करते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज इट लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड, कम समय के लिए होता है, ये हमारे हेल्थ को पूरी तरह से प्रभावित नहीं करता, इट डू नॉट अफेक्ट आवर हेल्थ बैडली। And chronic disease, it lasts for the long period. In long period, के लिए होता है. Actually, it affects our health badly. It affects our health badly. For example, tuberculosis, हमारे health को badly affect करता है. Typhoid, badly affect करता है. लेकिन acute, जैसे common cold, cough, ये जो है हमारे शरीर को badly affect नहीं करता, और short period के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, और एक ठीक हो जाता है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस एंड डिफिनीशन ऑफ हेल्थ, इसकी बात हम लोग किए, फैक्टर्स की बात किए, डायग्नोस्टिक की बात किए, हम समझते हैं कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।